लेकिन तुम्हारे पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते। हमारी मजबूत की फिक्र करने वालों, ये मत भूलो तुम्हारा काम हमारी वजह से है। याद रखो कि तुम आज बलिदानियों को अपमानित करते हो तो बलिदानी का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हमें जन्म से पहले मारो या जन्म के बाद मारो, लेकिन एक बात याद रखना, रोहिणी तक नहीं चिल्लाई और सब हम उठेंगे, लड़ेंगे और अब तक लड़ेंगे। तुम बाहर खेलने जाती हो लेकिन तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। मैं तुम जैसे बहुत चिल्ला तुम घर से खुशी खुशी बाहर जाती देखता हूँ, लेकिन जब बाहर जाती तो कभी दुखी या कभी खामोश लगती। तुम लोग तो ऐसी बोलो, बाहर की दुनिया तो बहुत खूबसूरत होती है। मेरी माँ कहती है कि पहले की लड़कियों को घर में बंदी बना के रखा जाता था, लेकिन जब वही लोग हैं जो हमारे लिए खड़े हुए, हमें लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये सारे लोग बस ये सब अपने मतलब के लिए किए हैं, मतलब के लिए किए। तुम लोग तो कुछ भी बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते जाएगी।
भाई माफ़ माफ़ ठीक है पत्नी कर कौन देगा मुझे अच्छी सजा ये किस कानून की बात कर रही है वो अंधा कानून उसका तुम्हारी बात कौन पहुंचाएगा ये जनता तुम्हारी बात पहुंचाएगी ये तो हंस रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कैंडल मार्च करेंगे उससे ज्यादा क्या करेंगे जस्टिस पर सीरियल का नारा लगाएंगे और क्या बोले कि तुम कानून किस कानून की बात कर रही है तुम मेरे पापा ने मेरे को नहीं बताया कि जिस कानून की बात करेंगे तो पूरा का पूरा करप्ट है जितनी बोली है और हाँ इस कानून में से अगर ईमानदार ऑफिसर भी निकल गया इसका किसी घटिया जगह पे ट्रांसफर करा देंगे नहीं तो उसका मर्डर करवा देंगे अगर मान लिया हम गलती से पकड़े नहीं गए ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ इसके आज केस हो रहा कल जेल और परसों जेल आज भी तैयारी से पकड़े देखो वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है सर ये तो कहर हो गया सर क्या हुआ कहर हो गया सर कहर मैंने सवाल गलत कर दिया कहर यानी रेप हुआ है जी सर ये तो अब आए दिन देखने को मिलता है हमारे थाने में कितने केसेस आते और कितने को दवा देने के लिए कहा जाता है कॉन्स्टेबल आगे बढ़ के देखो कौन है Yeah.
कहा जाएगा मुजरिम को खोजो, अगर मुजरिम गलती से मिल भी गया तो एक लंबा केस चलेगा, फिर उस लंबे केस में ये साबित कर दिया जाएगा कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कैंडल लेके रोड से निकलिएगा और हम लोगों को शांत करने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। और नया कानून नहीं चाहिए हमें, नया कानून क्या करें, नया कानून जो कानून बनाया गया उसको तो लागू कर लो। मान लिया कि इस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, इस लड़की के साथ इतनी बेरहमी से कत्ल की गई है, इस लड़की कत्ल कातिल को कत्ल की तो सजा दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए ताकि हमारे देश के नागरिकों को पता चल सके कि हमारा देश का कानून कितना मजबूत है और कितने मजबूत हाथों में है। और आप लोगों में से अगर किसी को लगता है कि आपने एक चिड़िया को दबा दिया और कानून शांत है तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, ताकि क्योंकि ये अपने एक चिड़िया को तो दबा दिया लेकिन इसके जगह पे हजारों चिड़िया पैदा लेगी और अपने मजबूत इरादों के साथ पैदा लेगी और वो अपने मजबूत इरादों के साथ पैदा होगी।